अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको YouTube चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो पोएम हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस पोएम का नाम है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, जिसको लिखने वाले हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। पोएम पे बात करने से पहले हम लोग राइटर के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। राइटर कौन है? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जो कि 6 अगस्त 1809 को पैदा हुए UK में और 6 अक्टूबर 1892 में इनकी यूनाइटेड किंगडम में डेथ हो गई। विक्टोरियन एज के बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही प्राइम फिगर रहे हैं। ये एक ब्रिटिश पोइट थे जिनकी पोइट्री को क्वीन विक्टोरिया भी बहुत ज़्यादा अडोर करती थी। इनको चांसलर्स गोल्ड मेडल मिला था कैम्ब्रिज में। इनका एक मास्टरपीस है टिम्बकटू, उसकी बेस पे। राइटिंग की बात करें तो इन्होंने लिरिकल पोइट्री भी लिखी, ब्लैंक वर्ड्स में भी लिखा, एपिक फॉर्म में भी लिखा। पोइट्री के साथ साथ इन्होंने ड्रामा के ऊपर भी काम किया, लेकिन ज़्यादा फेमस ये अपनी पोइट्री की बेस पे हुए थे। टेनिसन की ब्रेक 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 लिखने के पीछे क्या रीज़न थी, इसके पीछे एक बैकग्राउंड है। टेनिसन के एक फ्रेंड थे ऑर्थर हैलम, वो टेनिसन के बेस्ट फ्रेंड थे, बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे, फेलो पोइट भी थे। उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ के 2 साल बाद इन 1835 इन्होंने ब्रेक 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 कंपोज की। ब्रेक 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 एक एलेजी है। एलेजी किसे कहते हैं? वो पोएम जो किसी की डेथ के बाद लिखी जाए या किसी ग्रेट लॉस के बाद लिखी जाए। तो बेसिकली इन्होंने ब्रेक 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 ऑर्थर हैलम की डेथ के बाद लिखी थी, जिसके अंदर इन्होंने अपने ग्रीफ को एक्सप्रेस किया है। पोइट लेमेंट कर रहा है, इसके अंदर अपना दुख बयान कर रहा है, रो रहा है। किस चीज़ के ऊपर? अपने दोस्त की डेथ के ऊपर। सो वी कैन से दैट इट इज़ एन एलर्जी टू हैलम। एलर्जी की स्पेलिंग क्या होते हैं? ELEGY। तो लिखी थी इन्होंने 1835 में, लेकिन पब्लिश ही हुई है 1842 में। तो इसमें बेसिकली पोइट अपना जो उनकी सैडिस्टिक फीलिंग है उनकी फ्रेंड के डेथ के ऊपर, उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। नंबर ऑफ स्टैंजा की बात करें तो उन्होंने टोटल 4 स्टैंजाज यूज़ किए हैं इसके अंदर। बहुत ही शॉर्ट पोइम है। पोइम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा समराइज करके बता दूं कि इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं। ऐसा होगा कि पोइट जो है समंदर के किनारे बैठा हुआ है, समंदर की तरफ देख रहा है। समंदर की लहरें ज़ोर ज़ोर से आ रही हैं और पत्थरों पे लग रही हैं, और पोइट वहाँ पे विश करता है कि उसकी जो ज़ुबान है उसकी ज़ुबान से ग्रीफ के वर्ड्स निकलें, कि काश वो अपने ग्रीफ को एक्सप्रेस कर पाता। वो खामोश क्यों बैठा हुआ है? वो वहाँ पर देखता है एक फ़िशरमैन है, फ़िशरमैन का बच्चा है अपनी छोटी बहन के साथ, सॉरी फ़िशरमैन का बच्चा है, छोटा बच्चा जो कि अपनी बहन के साथ समंदर के किनारे पे खेल रहा है, चिल्ला रहा है। इसके अलावा वो एक सेलर जो कि फिश जो कि शिप चलाता है, उसकी आवाज़ सुनता है, वो सिंगिंग कर रहा है। तो वहाँ पे ये बच्चे को भी खेलता देखता है, सेलर को सिंगिंग करता भी देखता है, लेकिन फिर भी प्लीज नहीं होता, खुश नहीं होता। कह सकते हैं कि जेलस फील कर रहा है उनसे। क्यों? क्योंकि सेलर सिंगिंग कर रहा है, अपने अल्फाज को बता रहा है, बच्चा भी अपनी लाइफ को वहाँ पे इंजॉय कर रहा है, लेकिन उस टाइम पे ये खुद ग्रीफ में है, खुद ये पेन में है, इसको ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ये सब चीज़ें जो है ना, इसको वॉइस दैट इज़ स्टिल, ऐसी आवाज़ जो कि स्टिल हो चुकी है, उसकी याद दिला रही है। मीन्स इसके दोस्त की याद दिला रही है जिसकी डेथ हो चुकी हुई है, जिससे ये अब फर्दर बात नहीं कर सकता। फिर जो स्पीकर है मीन्स टेनिसन है, वो कहता है ऐसे ही जो ओशन की वेव्स है ना, वो बीच के ऊपर ब्रेक करती रहेंगी, ऐसे ही टाइम मार्च करता जाएगा, वक्त चलता जाएगा, लेकिन ये वापस अपने बैक अपने पास्ट में नहीं जा सकता। वापस इसकी जो दोस्ती थी वो दोबारा वैसी नहीं हो सकती, और इसका दोस्त जो है वापस ज़िंदा होकर नहीं आ सकता। इन शॉर्ट, इस पोएम के अंदर जो थीम कन्वे करेगा ना पोइट, वो इमोर्टलिटी ऑफ लाइफ को कन्वे करेगा। वो बताना चाह रहा है कि लाइफ जो है वो इमोर्टल नहीं है, लाइफ मोर्टल है, मोर्टलिटी ऑफ लाइफ, कि लाइफ ने ख़त्म हो जाना है। और कहता है हर एक को मर जाना है, कुछ भी स्टेटिक नहीं है, कुछ भी जैसा प्रेजेंट टाइम है ना वैसा नहीं होने वाला। कहता है लेकिन मरने के बाद दुनिया भी वैसी चलती है, मरने के बाद वक्त भी वैसा चलता है।
हम सबको एक दिन मर जाना है, लेकिन ट्रेजेडी क्या है, वर्ल्ड गोज ऑन, दुनिया चलती रहती है, दुनिया नहीं रुकती। तो ये सब कुछ इस पोएम के अंदर वो बताएगा। अपनी पोएम को स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट स्टैंजा देखें, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, यहाँ पे अब एड्रेस कर रहा है पोइट किससे, सी से। जैसे कि देखें, ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन ओ सी। अब यहाँ पे ओ सी क्या है, एक नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली यहाँ पे जो इसने एलिमेंट यूज़ किया है वो अपोस्ट्रोफी का यूज़ किया है। अपोस्ट्रोफी क्या होता है, अपोस्ट्रोफी एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसके अंदर किसी भी डेड एब्सेंट या किसी भी नॉन ह्यूमन चीज़ के साथ एड्रेस किया जाए, और ऐसे एड्रेस किया जाए कि वो नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्स कर रहा हो या जो आपने कहा है वो सुन रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी यूज़ की गई है। एक एग्जांपल दे दूँ, लाइफ आई नो नॉट व्हाट दो आर्ट। अब यहाँ पे लाइफ से एड्रेस किया जा रहा है जो कि नॉन ह्यूमन चीज़ थी। एनी हाउ पोएम की तरफ वापस आते हैं। ब्रेक 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 ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन ओ सी। अब यहाँ पे पोइट बेसिकली समंदर के किनारे बैठा हुआ है और लहरें आ रही हैं, वेव्स आ रही हैं, और वो वेव्स आके कोल्ड ग्रे स्टोन, सी शोर को कहते हैं, ऐसे एरिया जहाँ पे स्टोन्स हों समंदर के किनारे, ओ सी। तो वो लहरों को कह रहा है कि लहरों, जो लहरें हैं उनको कह रहा है, वेव्स आओ, आकर इस पत्थर के साथ और टकराओ। एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर, अटर मतलब निकालना, और मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ज़ुबान है वो निकाल सके, क्या, द थॉट्स दैट अराइज इन मी, वो थॉट्स जो कि मेरे अंदर उठ रही हैं। अब यहाँ पे थॉट्स अराइज यानी कि ये खुद नहीं सोच रहा, इसको सोच आ रही है। टंग कुड अटर यानी कि खुद नहीं बोल रहा, इसकी ज़ुबान नहीं बोल पा रही है। तो इट मींस यहाँ पे पोइट जो है ना वो पैसिव दिखाया गया है कि पोइट खुद कोई एक्ट नहीं कर रहा, इसके जो बॉडी के पार्ट हैं वो एक्ट कर रहे हैं। तो इन लाइंस पे बेसिकली पोइट लैमेंट कर रहा है कि वो अपने थॉट्स को अपनी वॉइस नहीं दे पा रहा, जो सोचें इसकी दिमाग में उठ रही हैं ये उन सोचों को बोल नहीं पा रहा। तो यहाँ पर हम लोगों को एक इमोशनल इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। अब ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये अपने दोस्त को खो चुका हुआ है और एक ट्रॉमा में है, और ट्रॉमा के अंदर समंदर के किनारे बैठा हुआ है। नेक्स्ट स्टैंजा देखें, ओ वेल फॉर द फिशर मैंस बॉय दैट ही शाउट्स विद ही सिस्टर एट प्ले। कहता है देखो, फिशर मैन का जो लड़का है वो अपनी बहन के साथ खेल रहा है और खेलते हुए चिल्ला रहा है, यानी कि इन्जॉय कर रहा है। ओ वेल फॉर द सेलर लैड, लैड कहते हैं यंग बॉय को, सेलर कहते हैं जो कश्ती चलाने वाला होता है। कहता है वो देखो, वो कश्ती चलाने वाला वो यंग आदमी, दैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द बे, कि वो कश्ती चलाने वाला भी कितना खुश है, वो अपनी कश्ती के अंदर बैठकर सिंगिंग कर रहा है ऑन द बे। बे कहते हैं, ये देखें मैंने लाइन बनाया ना कर्व सा, यहाँ सारा पानी है और यहाँ पे सारा ड्राई एरिया मींस यहाँ पे ग्रीनरी है और स्टोन्स है और रॉक है, जिसे हम समटाइम बीच भी कहते हैं। तो ये समंदर के किनारे पे एक लॉन्ग सा कर्व होता है, ठीक है, एक ब्रॉड सा। अब आप कहते हैं वहाँ पे देखो वो सेलर है, वो भी सिंकिंग कर रहा है। तो यहाँ पे इसने दो एग्जांपल दी, सेम टोन में रहा कि जो फिशरमैन का लड़का था अपनी बहन के साथ खेल रहा है, यानी कि लाइफ जो है वो अपनी हैप्पीली स्पेंड कर रहा है। फिर कहता है सेलर जो है, यंग सेलर, वो सिंगिंग कर रहा है अपने बोट के अंदर, अगेन हैप्पीली लाइफ स्पेंड कर रहा है, नो वरीज नो केयर्स, और पोइट उनसे जेलस फील कर रहा है क्योंकि वो जो चाहते हैं वो कर पा रहे हैं। लड़का है खेल रहा है, सेलर है सिंगिंग कर रहा है, लेकिन ये अपने अल्फाज अटर नहीं कर पा रहा, जो थॉट इसको आ रही हैं उनको बोल नहीं पा रहा। और यहाँ पर एक और इंटरप्रिटेशन निकलती है, वो लाइफ एंड डेथ की, यही चीज़ कि दोस्त मर गया तो इट मींस के सब ने एक दिन मरना है, और ये एक ट्रुथ है, जो लाइफ है वो मॉर्टल है, मैन भी मॉर्टल है। द
तो कहते हैं ये लोग विदाउट एनी वरीज, एनी हरीज, एनी टेंशन अपनी लाइफ को हैप्पीली चेयरफुली स्पेंड कर रहे हैं, जो कि अच्छा नहीं है। तो ये लाइन्स जो है ना, वर्ल्ड गोज ऑन लाइफ गोज ऑन, इस थीम को भी रिफ्लेक्ट कर रही हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन की थीम को भी रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि जो बॉय है वो भी कम्युनिकेट कर रहा है, यानी कि प्ले कर रहा है, खेल पा रहा है, जो चाहता है वो कर पा रहा है। सेलर सिंगिंग कर रहा है, यानी कि वो भी कम्युनिकेट कर रहा है। लेकिन फर्स्ट स्टैंजा में देखा कि इसकी अपनी टंग वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रही थी, ठीक है। थर्ड स्टैंजा देखें, एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन टू देयर हेवन अंडर द हिल। स्टेटली मीन्स इम्प्रेसिव, हेवन मीन्स अ प्लेस ऑफ सेफ्टी, शेल्टर, अंडर द हिल कहते हैं। लेकिन जो शिप्स हैं ना वो भी चलती जा रही हैं और वो सेफली अपनी डेस्टिनेशन को पहुंच रही हैं, हिल के अंडर से गुजरते हुए, हिल के नीचे से गुजरते हुए। मतलब इन दो लाइंस के अंदर वर्ल्डली फिनोमेना की बात की गई है कि कश्तियाँ भी किसी के मरने से रुकी नहीं हैं, चल रही हैं। वर्ल्डली मैटर्स जो हैं वो रुकते नहीं हैं, चलते रहते हैं। फिर कहता है, बट ओ फॉर द टच ऑफ अ वैनिश्ड हैंड एंड द साउंड ऑफ अ वॉइस दैट इज स्टिल। वैनिश्ड हैंड मीन्स दोस्त का हाथ जो कि गायब हो चुका है, यानी कि लेकिन अब वो दोबारा कभी अपने दोस्त को छू नहीं पाएगा, दोबारा मिल नहीं पाएगा। वॉइस दैट इज स्टिल, अगेन फ्रेंड की बात कर रहा है, ऑर्थर हैलम की बात कर रहा है कि उसकी आवाज़ भी कभी सुन नहीं पाएगा। ये जो दो लाइन्स है ना, यहाँ पर राइटर ने स्निक डिकी की टेक्निक यूज़ की है। स्निक डिकी क्या होता है? पार्ट स्टैंड फॉर होल एंड होल स्टैंड फॉर पार्ट। मतलब सेंटेंस के अंदर एक ऐसा वर्ड यूज़ कर लेना जो कि दूसरे चीज़ को सिंबलाइज करे। मतलब एक पार्ट यूज़ कर लेना, एक हिस्सा जो कि पूरी चीज़ को सिंबलाइज करता है, या फिर एक पूरी चीज़ का वर्ड सिंबलाइज कर यूज़ कर लेना जो कि एक पार्ट को सिंबलाइज करता है। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान वॉन द मैच। असली में क्रिकेट कौन जीता है? 11 क्रिकेट प्लेयर। तो वहाँ पे क्या हुआ? होल का वर्ड यूज़ हुआ, पाकिस्तान सिंबलाइज कर रहा था पार्ट, यानी कि 11 क्रिकेट प्लेयर को सिंबलाइज कर रहा है वो। तो होल स्टैंड फॉर पार्ट हो गया। इस तरह एक और एग्जांपल देखें, ही लेफ्ट हिज फादर्स रूफ। अब रूफ क्या है? पार्ट। लेकिन रेफर किसे कर रही है? पूरे घर को, ठीक है। तो ये होता है पार्ट स्टैंड्स फॉर होल, होल स्टैंड्स फॉर पार्ट। अब यहाँ पे लाइन है ना वैनिश्ड हैंड, तो यहाँ पे हैंड जो है वो रेफर कर रहा है मैन को, ह्यूमन बीइंग को। तो पार्ट है वो होल को सिंबलाइज कर रहा है, यानी कि ह्यूमन को सिंबलाइज कर रहा है। और साथ ही साथ ये जो पार्ट है ये इसके फ्रेंड को रेफर कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट में जो वॉइस दैट इज स्टिल, यहाँ पे जो वॉइस है ये क्या है? ये भी पार्ट है जो कि होल को सिंबलाइज कर रही है, मीन सारे ह्यूमन बींग को सिंबलाइज कर रही है। और साथ ही साथ यहाँ पे ये जो वॉइस है ये इसके फ्रेंड को भी सिंबलाइज कर रही है, ठीक है। तो इट मीन्स कि इन लाइंस में क्या बताया गया हुआ है कि मैं दोबारा उस दोस्त का हाथ नहीं पकड़ सकता जो मर गया है, मैं दोबारा उसकी आवाज़ नहीं सुन सकता जो मर गया है। जनरली देखें लोग मरते हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स मर गए तो उसके बाद ना उनका हाथ पकड़ा जा सकता है, ना उनकी आवाज़ सुन जा सकी है। और अगर स्पेसिफिकली देखें तो यहाँ पे इसके फ्रेंड का जिक्र है, ऑर्थर हैलम का। क्लियर हो गया? तो इसने क्या बताया यहाँ पे? दो चीज़ों का बता दिया कि कोई मर जाए, मरना है, लेकिन कोई मर जाए मरने के बाद जो वर्ल्डली अफेयर्स हैं, वर्ल्डली मैटर्स हैं, वो नहीं रुकते, जैसे कि शिप्स गो ऑन। फिर लास्ट टेंजा, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, लाइन रिपीट हुई जो फर्स्ट टेंजा के अंदर थी। एट द फुट ऑफ द दाई क्रैक्स ओ सी। क्रैक कहते हैं स्टोन को, रॉक को, कि वो फिर से लहरों को कह रहा है कि तुम टकराओ। किन के साथ? इन रॉक्स के साथ, तुम इन रॉक्स से टकरा रहे हो। तो इट मीन्स तुम में एबिलिटी है, जो तुम करना चाहते हो तुम कर रहे हो। बट द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज डेड। टेंडर ग्रेस, फ्रेंड की बात की जा रही है कि फ्रेंड जो है वो चला गया है, और जो चला जाता है वो कभी भी वापस नहीं आता।
दैट इज़ डेड, चला गया, वापस नहीं आएगा, विल नेवर कम बैक टू मी, वो वापस कभी भी नहीं आने वाला। लेकिन वो तकलीफ़, वो पेन जो दोस्त के जाने का है, वो पेन कभी नहीं ख़त्म होगा और ना ही मेरा दोस्त कभी वापस आएगा। तो ये शॉर्ट पोएम थी, 4 स्टेंजा थे। हर स्टेंजा के अंदर देखा हम लोगों ने कि पोइट ने बेसिकली रिफ्लेक्ट किया अपने राइटिंग के थ्रू, मॉर्टल लाइफ को प्रेजेंट किया है, कंटिन्यूटी ऑफ वर्ल्ड को प्रेजेंट किया है, कम्युनिकेशन गैप को प्रेजेंट किया है, सॉरी गैप नहीं, लैक ऑफ कम्युनिकेशन को प्रेजेंट किया है, डेथ का थीम नज़र आता है। तो ओवरऑल ये एक एलर्जी है जो इसने अपने दोस्त के मरने के बाद लिखी थी। और थ्रू आउट द पोएम पोइट की जो टोन थी वो पैसिव रही थी। पोइट ने इसके अंदर पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया है, जैसा कि ये कह रहा है, ब्रेक 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 एट द फुट ऑफ द क्रैक्स ओ सी, जब ये समंदर से कह रहा है, जब ये लहरों को, नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग की क्वालिटी दे रहा है, तो पर्सोनिफिकेशन होता यही है, टू गिव द क्वालिटी ऑफ लिविंग थिंग्स टू द नॉन लिविंग्स, ठीक है। इसके अलावा इसने इसके अंदर अपोस्ट्रोफी यूज़ की थी, जिसके अंदर नॉन ह्यूमन थिंग से, नॉन ह्यूमन पर्सन से ऐसे बात की जाती है जैसे वो प्रेजेंट हो और वो आपकी बात सुन रहा हो और वो रिप्लाई भी कर सके, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर सिनेक्डी की यूज़ की उसने, जिसका मतलब है कि पार्ट को, जो पार्ट है वो स्टैंड करे होल को और जो होल है वो स्टैंड करे पार्ट को, ठीक है। ये तीन और साथ मेटाफर यूज़ किया इसके अंदर इसने, जैसे कि लाइन देखें, एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन टू देयर हेवन हीवन अंडर द हिल। यहाँ पे शिप्स जो है ये मेटाफर है लाइफ का, वर्ल्डली रूटीन का, ठीक है। तो ये इसके अंदर इसने फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किए थे। आई होप कि आपको पोएम क्लियर हो चुकी होगी। दुआओं में खास याद रखिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।